देवभूमि उत्तराखंड अपने विख्यात मंदिरों के लिए जाना जाता है। चार धाम से लेकर पंचप्रयाग तक सभी उत्तराखंड में ही स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड में देवों का वास होता है। इन सभी मंदिरों में से एक मंदिर ऐसा है जो इस राज्य की पहचान भी बन चुका है। नाम है केदारनाथ धाम। बाबा केदार का ये मंदिर उत्तराखंड के उन धार्मिक स्थलों में से एक है जहाँ जाने का सपना हर एक भारतीय का होता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, तो केदारनाथ धाम के दर्शन अवश्य करें। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ धाम हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। केदारनाथ धाम पहुँचने का रास्ता जितना कठिन है उतना ही मनमोहक भी। प्राकृतिक झरने और पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम शिव भक्तों के लिए सबसे पावन स्थान है। केदारनाथ धाम के कपाट एक निश्चित समय के ही लिए खुलते हैं और बाबा केदार के दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। वैसे तो केदारनाथ धाम के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे केदारनाथ धाम के निर्माण से लेकर उसके 400 साल तक बर्फ के नीचे ढके होने तक के रहस्य के बारे में। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये 12-13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्तुति के अनुसार ये मंदिर उनका बनवाया हुआ है जो 1076 से 1099 काल में थे। एक मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली से किया गया है, लेकिन किसने किया है इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। केदारनाथ मंदिर अत्यंत सुंदर है। बर्फ के बीच में विराजमान भगवान शिव का ये मंदिर अद्भुत लगता है। वास्तुकला की बात करें तो केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह हैरतअंगेज है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जहां पर चढ़कर जाना ही इतना मुश्किल है, वहां इतना विशालकाया और सुंदर मंदिर बनवाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई है। मंदिर को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग और तीसरा सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। केदारनाथ के चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता के नजारे देखने को मिलते हैं। यहाँ एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराजकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड है। इन तीन पर्वतों से होकर बहने वाली पांच नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी। इनमें से कुछ पुराण में लिखे गए हैं। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रहण क्षेत्र है। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था, बावजूद इसके मंदिर सुरक्षित बचा रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। इसी दौरान भोलेनाथ का निवास वाला ये मंदिर भी बर्फ के अंदर दब गया था। मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिकों के दावे भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को एक तय समय का इंतजार करना पड़ता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। भयानक बर्फबारी के चलते यहाँ पर जाना कठिन है, इसलिए मंदिर 6 महीने के लिए बंद किया जाता है। केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है। अभी तक यह मंदिर मुख्यतः नवंबर महीने की 15 तारीख से पूर्व बंद हो जाता है और 6 महीने बाद अर्थात वैशाखी अप्रैल के 13 से 14 के बाद खुलता है। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ के लिए साल 2013 किसी अभिशाप से कम नहीं है। कहते हैं प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके सामने कुछ नहीं टिकता। साल 2013 में आई प्रलय ने केदारनाथ में तबाही मचाई। इस साल इस आपदा को 10 साल पूरे हो गए। जून के 16 से 17 2013 को आई आपदा में हजारों मौतें हुई थीं। यहां चौराबाड़ी झील में बादल फटने से बहकर आए भारी मलबा और विशाल बोल्डर ने तबाही ला दी थी।
तब किसी ने सोचा नहीं था कि धाम में शांत बहने वाली मंदाकिनी नदी विकराल रूप लेकर तबाही मचा देगी। नदी ने अपना नया रास्ता बनाया और फिर देखने को मिला तबाही का मंजर। केदारनाथ मंदिर को भी इस जलप्रलय ने थोड़ी बहुत क्षति पहुंचाई थी, लेकिन मंदिर जल प्रलय में भी खड़ा रहा। इस जल प्रलय में 4,700 तीर्थयात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 5,000 से अधिक लापता हो गए थे। इन 10 सालों में अब केदारनाथ धाम की तस्वीर बदल गई है। अब यह शिव मंदिर ज्यादा भव्य और शानदार हो गया है, वहीं भक्तों के पहुंचने की संख्या भी बढ़ गई है।